हाँ मैं पुरुष हूँ, घर का जिम्मेदार व्यक्ति, मुखिया, लेकिन मैं भी जीना चाहता हूँ। हाँ मैं। तो अब बात करते हैं पुरुषों की। जिस तरीके से हमने औरतों, स्त्रियों पर बात की, अब बात करते हैं पुरुषों की। आप सब पुरुष बहुत ही रेस्पेक्टेड हैं, बहुत ही वैल्यूएबल हैं सबके लिए, क्योंकि जीवन में जितना स्त्रियों का योगदान है उतना ही पुरुषों का है। और हम चाहेंगे कि दो पंक्तियां हम पुरुषों के लिए भी बोले उनके सम्मान में, उनके भी दिल की बात आज हम रखना चाहेंगे एक पोएट्री के थ्रू। तो शुरू करते हैं। हाँ मैं पुरुष हूँ, हाँ मैं पुरुष हूँ, घर का जिम्मेदार व्यक्ति, मुखिया हूँ, पर जिंदगी मैं भी जीना चाहता हूँ। हाँ मैं पुरुष हूँ, घर का जिम्मेदार व्यक्ति, मुखिया हूँ, पर जिंदगी को मैं भी जीना चाहता हूँ। इन जिम्मेदारियों में कहीं खो सा चुका हूँ, इन जिम्मेदारियों में कहीं खो सा चुका हूँ, सबका करते करते मैं खुद में खुद को ढूंढना चाहता हूँ। सबका करते करते अब मैं खुद में खुद को ढूंढना चाहता हूँ। निभा रहा हूँ दिन रात जिम्मेदारियाँ, निभा रहा हूँ दिन रात जिम्मेदारियाँ, पैसा कमाने और नौकरी के चक्कर में बाहर धक्के खा रहा हूँ। निभा रहा हूँ दिन रात जिम्मेदारियाँ, पैसा कमाने के लिए नौकरी के चक्कर में दिन रात बाहर धक्के खा रहा हूँ। कभी कुछ नहीं कहता किसी से, कभी कुछ नहीं कहता किसी से, किसी को भी, कि मैं क्या सहकर घर वापस आ रहा हूँ। कभी कुछ नहीं कहता मैं किसी से, किसी को भी, कि क्या सहकर मैं घर वापस आ रहा हूँ। वही दिनचर्या, वही बैग, वही फोन और आते जाते समय सामान सब्जी की लिस्ट कि आदत सी हो गई है मेरी। वही दिनचर्या, वही बैग, वही फोन और आते जाते सामान सब्जी की लिस्ट की अब आदत हो गई है मेरी। मशीन बनकर रह गया हूँ अपनों के बीच में, मशीन बनकर रह गया हूँ अपनों के बीच में ही, कोई चाहता ही नहीं जानना समझना या दिल की क्या हालत है मेरी। मशीन बनकर रह गया हूँ अपनों के बीच में ही, कोई चाहता ही नहीं जानना समझना या दिल की क्या हालत है मेरी। हाँ मैं पुरुष हूँ, हाँ मैं पुरुष हूँ पर थक जाता हूँ, हाँ मैं पुरुष हूँ पर थक जाता हूँ कभी कभी, हाँ मैं पुरुष हूँ पर टूट जाता हूँ अंदर ही अंदर मैं कभी कभी, हाँ मैं पुरुष हूँ पर मैं थक जाता हूँ कभी कभी, हाँ मैं पुरुष हूँ मैं टूट जाता हूँ कभी कभी। मन करता है मेरा, मन करता है मेरा भी कि कभी कोई मुझसे आकर कहे, मन करता है मेरा भी कि कभी कोई मुझसे आकर कहे कि थक गए होगे, कि थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। मन करता है मेरा भी, मन करता है मेरा भी कि कोई मेरा भी सर अपनी गोद में रखे और बालों में उंगलियां सहला कर कहे कि आप कितना काम करते हो, आप कितनी मेहनत, कितना काम करते हो, थोड़ा सो भी लो। आप कितनी मेहनत, कितना काम करते हो, जरा सो भी लो। दिन रात सब करके भी जब घर में घुसता हूँ, दिन रात करके सब करके भी जब मैं घर में घुसता हूँ, थका हारा चाय के इंतजार में जब बैठता हूँ, थका हारा जब चाय के इंतजार में बैठता हूँ, तो दोस्तों यकीन मानो न जाने ढेरों शिकायतों के वार सहता हूँ, दोस्तों न जाने क्यों ढेरों शिकायतों के वार मैं सहता हूँ। करते ही क्या हो, क्यों लेट हो गए, कहाँ रह गए, तुम्हारे मजे हैं सुबह से शाम तक, हमको समय नहीं देते। सब सुन लेता हूँ, सब सुन लेता हूँ चुपचाप हमेशा, सब सुन लेता हूँ चुपचाप हमेशा, हंसकर मैं टाल देता हूँ, सब सुन लेता हूँ चुपचाप हमेशा, हंसकर मैं टाल देता हूँ, पर कोई नहीं जो मुझे समझे, पर कोई नहीं जो मुझे समझे कि मैं भी कभी कुछ अपने दिल की कहना चाहता हूँ, कि कोई, पर कोई नहीं जो कभी मुझे समझे कि मैं भी कभी अपने दिल की कहना चाहता हूँ। जरा सा बाजार या ऑफिस में लेट क्या हो जाऊं कि फोनों की घंटियां बज जाती हैं, कभी चाहा दो पल सुकून से बैठूं, फिल्में देखूं, थोड़ा दोस्तों के साथ हंस लूं, तो मेरी जिम्मेदारियों की लिस्ट मुझे बता दी जाती है।
दो पल दोस्तों के साथ मैं भी बिताना चाहता हूँ, दो पल दोस्तों के साथ मैं भी बिताना चाहता हूँ, हाँ मैं अपनी माँ बहन भाई पिता बच्चों के साथ, हाँ मैं अपनी माँ बहन भाई बच्चों से बच्चों के साथ बतियाना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। दो पल दोस्तों के साथ मैं भी बिताना चाहता हूँ, हाँ मैं भी अपनी माँ बहन पिता भाई बच्चों से मिलना चाहता हूँ, हाँ मैं पुरुषों पर कभी कभी मैं बच्चा बनना चाहता हूँ, पूरे दिन आराम से टीवी का रिमोट लेके मैं आराम से सोफे पे बैठकर फिल्में देखना चाहता हूँ। बहुत याद आते हैं वो दोस्त, बहुत याद आते हैं वो दोस्त, वो पीजी वो हॉस्टल का कमरा, बहुत याद आते हैं वो दोस्त अब मुझे, वो पीजी वो हॉस्टल का कमरा, जहाँ कहीं जूते कहीं तौलिए कहीं कपड़े अस्त व्यस्त पड़े होते थे, जहाँ कहीं जूते कहीं तौलिए वो कपड़े कहीं अस्त व्यस्त पड़े होते थे, पर सुकून बहुत था, पर उनमें सुकून बहुत था और खुशी बहुत मिलती थी, पर उनमें सुकून बहुत था और खुशियाँ मिलती थी, पर उनमें सुकून बहुत था और बहुत खुशियाँ मिलती। आज अपने जूते, आज अपने जूते सामान सब व्यवस्थित जगह पर रखता हूँ, आज मैं अपने जूते सामान सब व्यवस्थित जगह पर रखता हूँ, पर ना वो सुकून मुझे मिलता, ना वो मस्ती, ना वो खुशियाँ आज मिलती, पर ना वो सुकून ही मिलता, ना वो मस्ती मिलती और ना ही अब वो खुशी है मिलती। हाँ मैं पुरुषों पर एक इतवार में भी चाहता हूँ, पूरे दिन सोना खाना फिल्में और खुद को खुद से मिलाना चाहता हूँ, कभी कभी अपने जूते तौलिए और कपड़े मैं भी फैलाना चाहता हूँ, मैं भी अपनी माँ से लिपट कर कभी खूब रोना चाहता हूँ, थक गया हूँ करते करते मर रहा हूँ अंदर ही अंदर, थक गया हूँ करते करते मर रहा हूँ अंदर ही अंदर, मैं मशीन नहीं इंसान हूँ समझो मुझे, मैं मशीन नहीं इंसान हूँ समझो मुझे, मैं भी अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, हाँ मैं पुरुष हूँ मैं भी जीना चाहता हूँ। ये पुरुष ऊपर से दिखने में तो बड़े सख्त होते हैं, अंदर बड़े जज्बाती भावना से भरे नरम दिल वाले होते हैं, कोई कभी इनको इनकी भावनाओं को बिना कहे समझ ले, कोई कभी पुरुषों की भावनाओं को बिना कहे समझ ले, ये इनकी भी चाहत होती है, कोई कभी पुरुषों की भावनाओं को बिना कहे समझ ले, ये इनकी भी चाहत होती है, कद्र करें पुरुषों की प्यार की स्नेह की इनको भी जरूरत होती है, कद्र करें पुरुषों की प्यार की स्नेह की इनको भी जरूरत होती है, है दिल इनका भी नाजुक सा, है दिल इनका भी नाजुक सा दर्द इन्हें भी होता है, है दिल इनका भी नाजुक सा दर्द इन्हें भी होता है, आंख में पर ये आंसू दिखाते नहीं, आंख में ये कभी आंसू दिखाते नहीं, पर अंदर जख्म बड़ा गहरा होता है, आंख में ये कभी आंसू दिखाते नहीं पर अंदर जख्म बड़ा गहरा होता है, हाँ मैं पुरुष हूँ मुझे हक नहीं जज्बात दिखाने का, हाँ मैं पुरुष हूँ मुझे हक नहीं जज्बात दिखाने का, हाँ थक गया हूँ बहुत मन करता है अब मेरा वापस बचपन में जाने का, हाँ थक गया हूँ बहुत मन करता है अब मेरा वापस बचपन में जाने का, ये नौकरी ये जिम्मेदारी में कहीं खो सा गया हूँ यारों में, ये नौकरी ये जिम्मेदारी में कहीं खो सा गया हूँ मैं, किसी को फुर्सत नहीं जो जाने कि क्या से क्या हो रहा हूँ मैं, किसी को फुर्सत नहीं जो जाने कि क्या से क्या हो गया हूँ मैं, थक गया हूँ अब बहुत थोड़ा आराम सुकून चाहता हूँ, थक गया हूँ बहुत अब मैं भी थोड़ा आराम सुकून चाहता हूँ, मैं खुद से बहुत दिनों से मिला नहीं हूँ यारो अब मैं थोड़ा सा वक्त और खुद को खुद से मिलाना चाहता हूँ, अब मैं थोड़ा सा वक्त और खुद को खुद से मिलाना चाहता हूँ, हाँ मैं पुरुष हूँ घर का मुखिया हूँ जिम्मेदार व्यक्ति हूँ लेकिन जिंदगी मैं भी जीना चाहता हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये पोएट्री हमें जरूर बताइए, ये हमने आप सभी
विमेंस के लिए, मेंस के लिए, सबके लिए डेडिकेटेड है ये। और आप सभी को एक खूबसूरत मैसेज देना है कि आप दोनों अलग अलग पर्सनालिटी हैं, आप दोनों एक फ्री सोल हैं, आप सबको फ्रीडम है, आप दोनों अलग अलग पर्सनालिटी हैं, एक दूसरे को रेस्पेक्ट दीजिए, एक दूसरे की वैल्यू कीजिए, एक दूसरे को समझिए। और मैं हमेशा जैसा कहती हूँ, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए। जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको पोएट्री कैसे लगी, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम आगे आपको जो बताएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम आपको कुछ आर्टिकल्स, मतलब जो मैं लिखती हूँ, जो पोएट्री में लिखती हूँ, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। सोसाइटी के टॉपिक्स भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, कैसे आप खुद को खुश रख सकते हैं, कैसे आप हमेशा खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं, और बहुत सी चीजें जो हम आपको सिखाएंगे। मेकअप हम आपको सिखाएंगे, स्किन पे आपको स्किन की नॉलेज देंगे, आपको हेयर नॉलेज देंगे, जो भी जिस भी तरीके की आपको नॉलेज चाहिए, बिजनेस की अगर आपको नॉलेज चाहिए, नेटवर्किंग की आपको नॉलेज चाहिए, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको नॉलेज चाहिए, हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। आज के लिए ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक था जो मेरे को बहुत पसंद है कि हम जो पर्सनैलिटी है हमें किसी की लाइफ। दोस्तों, आप सभी से अब विदा लेने का समय आ गया है, तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए। और कोई अच्छा मैसेज मैं आपको दे पाऊँ यही मैं चाहती हूँ। मेरी सिर्फ इतनी सी सोच है कि अगर मेरी वीडियोस या मेरी बातें आपको कुछ अच्छा सिखाती हैं या मैं कुछ अच्छा अपनी सोसाइटी को दे सकती हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझूंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी सेफ, थैंक यू सो मच।